हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे हो रखा है बहुत ठंडा ठंडा। मैं यहाँ खेत में आ रखी हूँ आग जलाने के लिए, और मेरी आग भी जल चुकी है। आज उड़द की दाल के बनाए जाएंगे पकौड़े। अभी मस्तों ने दाल पीस दी है, बस थोड़ा प्याज पीस रही हूँ और लहसुन और अदरक डाल दिए इसमें बढ़िया से। और ये देखो, ईशु ने लहसुन अदरक का पेस्ट बना रखा है। लहसुन पूरी छील के मम्मी पकोड़े के लिए मसाला बना रही है। यहाँ पे अच्छे से मम्मी बना रही है पकोड़े, टेस्टी टेस्टी पकोड़े। ये भी हमारी टेस्टी टेस्टी पकौड़ी। अभी 9 बज गया है, अब यहाँ पे धूप आई है, अभी सूरज आया है। हेलो, और अक्षु अभी नहा धो के रेडी हो गया है ना? और मस्तु बना रही है यहाँ पे भड़ंगा की दाल। मस्तु किस चीज की दाल? भड़ंगा ही ना। और अभी हम लेके आए हैं भुन्नी। अभी दिखाते हैं आपको भुन्नी। और अक्षु मौसी को बहुत परेशान कर रहा है, दांत खा रहा है बहुत ज्यादा। नहीं देख, ये देखो टेस्टी टेस्टी भुन्नी। ये देखो अब मौसी के दांत खा रहे हैं। अच्छी, बाय बाय। जाओ नानी के साथ जाओ, ठीक है? जाओ जाओ। और आज हम लेके आए हैं स्प्रिंग रोल। पंकु ढंकू लेके आया है। मैं हरी, बहुत टेस्टी होते हैं यहाँ के स्प्रिंग रोल। आज हमने बना रखा है कद्दू और रोटी। कद्दू हमने थोड़ा सा बना रखा है क्योंकि दिन का दाल भात बचा है, सिर्फ पापा ने और पंकु ने ही खाया था, तो हमने वही फ्राई कर दिया है, दाल और चावल फ्राई कर दिए है। आज बना है फ्राइड राइस और बना है कद्दू और दाल बनी है। तो दिन की दाल थी वो अभी बची हुई थी, इसलिए अभी फ्राई कर दिए। और ये देखो घर के परवल दिए हैं, जिनको मीठे करेले भी बोलता है कोई। ये घर की नींबू है और ये दी है सेम, छेमी बोलते हैं वैसे, ये अपने ही खेत की है।